सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, परंतु माननीय मंत्री जी आपका ध्यान मैं एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में करोड़ों गरीब कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूतिपूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। एमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्यपूर्वक भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जन सामान को बेचने के लिए बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने दो क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं, उसमें सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, माय ऑनरेबल कोलीग हैज गिवन एन आंसर, आई वुड वांट टू ऐड समथिंग टू इट। द ऑनरेबल मेंबर हैज रेज्ड अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। आई नो आई हैव हर्ड कंप्लेंट्स अबाउट हाउ very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public.